सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जनजाति। तो 100 रुपए में मैं नाम बोलूं तो एसटी बोल दूं, आप समझ जाना इस चीज को। तो अपने को पढ़ना है, थोड़ो सो सही कर दो, हाँ अब सही है, ठीक है, अपने को पढ़ना है, ठीक है, बंद करो ये, हाँ हाँ सबको बंद करो, ठीक है, जनजाति टॉपिक पढ़ना है। और पुलिस में इससे पिछली बार और उससे पिछली बार भी 5 से 6% ओनली जनजातियों के आए थे। तो क्यों आते हैं सर पुलिस में इतने परसेंट, क्यों आते हैं जनजाति सभी में आते हैं लेकिन जनजातियों पुलिस में ज्यादा क्यों आते हैं? क्योंकि आपकी नौकरी ही ऐसी जगह होगी, मान लो कि आपकी उदयपुर साइड में ड्यूटी आ गई और आपके पास फोन आया कि गुरु जी अठे थानेदार जी अठे मोथाणो हो रहे। अब थाने पता ही कोनी मोथाणो के खाकड़ है, तो फिर आपको कल्चर का नॉलेज होना चाहिए कि ये मोताना क्या चीज है। इसीलिए कल्चर ज्यादा पढ़ाई जाती है और राजस्थान पुलिस में भी कल्चर ज्यादा आती है। चलो मैं फिर पढ़ाना शुरू करता हूं आपको जनजातियों। थोड़ा सा इससे पहले मैं जनजातियों का थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। देखो सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो दक्षिणी राजस्थान में है। सर कहां पर है? उदयपुर। आप अगर साथ में नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखो। कैसे? आप राजस्थान का मैप ऐसे बनाया करो, आपको कोई जरूरी नहीं है डिजाइन देने की, ना ही मुझसे कोई ढंग से बना है, आप तो बस ऐसे बनाया करो, ऐसे बना के बार बार मैप में पढ़ाऊंगा पूरा, तो आप ऐसे ही बनाया करो। सबसे ज्यादा कहां है? उदयपुर। सर्वाधिक जनजाति उदयपुर। न्यूनतम जनजाति है बीकानेर। हाँ गुरु जी ठीक है, लेकिन कई बार राजस्थान में टोटल 13.5% जनजातियां हैं एसटी। तो कई बार पूछ लेते हैं, ये तो सर्वाधिक न्यूनतम बताया, कई बार प्रतिशत भी पूछ लेते हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो ध्यान रखना, सर्वाधिक प्रतिशत के हिसाब से जनजातियां सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और न्यूनतम है नागौर और बीकानेर। प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति बफरिंग की तो कोई समस्या नहीं है, कमेंट में नहीं पढ़ रहा हूं आपके, मैं पढ़ाना शुरू कर दिया इसलिए मैं आपको कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं। तो सर्वाधिक जनजाति सर उदयपुर में है दक्षिणी राजस्थान में, न्यूनतम बीकानेर में, सर्वाधिक प्रतिशत बांसवाड़ा में है। ये तो रटने वाली चीजें, इनमें कोई सूत्र वगैरह नहीं लगाना है। और न्यूनतम कहां है सर? नागौर के अंदर। एक एक संस्था है जिसको कई बार पूछा जा चुका है, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका, माणिक्यलाल आदिम शोध संस्थान कहां पर है? ये उदयपुर के अंदर है। इसमें एक चलता है एक नाते हेमेलो, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना रखो, माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान। अब सर हमें कौन कौन सी जनजातियां पढ़नी है? बिल्कुल देखो कौन कौन सी जनजातियां पढ़नी है। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो ही कमेंट के और आपका ध्यान जाना चाहिए, वरना आपको कमेंट नहीं करने हैं। सर दुनिया ऐप क्यों नहीं चल रहा है? अपडेट कर लो चल जाएगा। सहरिया, इसके बाद आ जाएगी सांसी, कथोड़ी, और रह गई एक, किधर लिखूं, इधर लिख देता हूं डामोर। अब मैं आपसे पहले तो ये देखेंगे कि एक सीधा प्रश्न कई बार पूछ ले, सर्वाधिक मीणा का है, सर्वाधिक भील का है, ग्रासिया का है, सहरिया का है, एक तो सीधा सीधा पूछ लेते। अब मैं आपको, यानी ये एसटी में आते हैं, लेकिन अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं उसका जवाब देना, क्या इनमें से कोई ऐसी भी, ये जो जितनी जातियां मैंने लिखी है, क्या इनमें से कोई ऐसी भी है क्या जो एससी में आती है? पढ़ेंगे हम इतनी एससी में आती है, मुझे कमेंट करके बताओ और फिर मैं आगे का पढ़ाना शुरू करूं कि आपको कितना नॉलेज है, बताओ फिर मैं आगे शुरू करो। अब कमेंट करो, बात नहीं करना है वरना, बताओ। अभी तक सही जवाब नहीं आए, अभी तक किसी का भी सही जवाब नहीं आए। नहीं नहीं मीणा तो एसटी में आती ही है, एक व्यक्ति का सही है, बिल्कुल एक दो के सही जवाब आए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सर्वाधिक यानी ये हम पढ़ेंगे एसटी में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना सांसी जो है वो एससी में आते हैं, पढ़ेंगे तो इन सबको एसटी के अंदर,
भी जनजातियों के अंदर पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन सांसी किस में आते हैं, एससी में आते हैं। अब एक बार कई बार आपको सीधा सीधा पूछेगा कि बताओ सर्वाधिक मीणा कहां है, गुरुजी जयपुर में है, बताओ सर्वाधिक भील कहां है, गुरुजी उदयपुर में है, उदयपुर, बताओ सर्वाधिक ग्रासिया कहां है, सिरोही में। रटने वाली चीजें हैं, शहर शहर बाहर है, बारा के अंदर है, सांसी सर्वाधिक भरतपुर में है, कथोड़ी कोटड़ा तहसील उदयपुर में है, डामोर डैसे डूंगरपुर। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यहां से कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है। क्या गलती बताई? नहीं नहीं हां, सीधा सीधा प्रश्न है, इनको रटना पड़ेगा। मीणा जयपुर में है, भील सर्वाधिक उदयपुर में है, ग्रासिया सिरोही में है, सहरिया बारा में है, सांसी भरतपुर में है, कथोड़ी उदयपुर में है और डामोर डूंगरपुर में है। यहां से सीधा सीधा अब हम रोज दो जनजाति पढ़ के तीन दिनों में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, पांच से छह नंबर अपने पूरे करेंगे। पांच से छह प्रश्न आते हैं पुलिस के अंदर और सभी एग्जामों में आते हैं। तो एक बड़ी जनजाति उठाएंगे हम जिसका डिटेल ज्यादा है, एक छोटी उठा लेंगे जिसका डिटेल कम है। तो सबसे पहले मैं सबसे इनमें सबसे ज्यादा जो प्रगति की है, सबसे ज्यादा जो शिक्षित जनजाति है उसी को उठा लेता हूं। कौन सी? मीणा। हेडिंग डालो तो, और बाद में पढ़ो तो बाद में पढ़ लेना। सबसे पहले मैं मीणा जनजाति को पढ़ाता हूं, आपको आराम से याद हो जाएगा। अब आप कमेंट वमेंट बंद कर दो और आराम से पढ़ना शुरू कर दो। कमेंट बंद लिखना पड़ेगा, सी ओ जो भी इंग्लिश कमजोर है, कमेंट बंद। सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए आपका, कोई मतलब नहीं है कमेंट में टाइम लंबा खींचने से, वीडियो को कोई चीजें उतनी बतानी लंबा खींचने से क्या उचित है। चलो शुरू करता हूं मैं मीणा। अगर इसका आप नाम से देखोगे तो ही इसका अर्थ निकल के आ जाएगा, यानी मीणा जो शब्द है वो मीन से बना है। मीन किसका पर्यायवाची है? मीन पर्यायवाची है मेरे दोस्तों मछली का, और यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। मीणा जो है वो अपनी उत्पत्ति मानते हैं मत्स्य अवतार से। सर ये कौन सा अवतार है? बिल्कुल बताएंगे कौन सा अवतार है। भगवान विष्णु ने लिया था यह अवतार। ऐसा कहते हैं कि धरती पे पाप बढ़ा तब भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु ने टोटल 10 अवतार है, अभी तक 9 हुए हैं उनके, 10वां अवतार का भी जिक्र कर लेंगे, यही कर लेंगे। भगवान विष्णु को सृष्टि की प्रलय करनी थी, मनु के पास आए, बोल देख मनु तेरे पास जितना भी सामान है और है वो ले लेना, और मैं मत्स्य अवतार धारण करूंगा, और मत्स्य अवतार धारण करके तुझे बचा लूंगा। तो सृष्टि की प्रलय हुई थी, प्रलय होने के बाद भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था, और मीणा भी अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। और वैसे भी वैज्ञानिक भी इस चीज पे शोध कर चुके हैं कि इस धरातल के ऊपर जब सृष्टि की प्रलय होने के बाद सबसे पहले अगर कोई जीव आया तो वो जलीय जीव आया है, इसका मतलब सबसे पहले जलीय जीव ही आया था इस पृथ्वी के ऊपर। तो मीणा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? मीणा कहते हैं कि अपनी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य। तो अब थोड़ा सा कमेंट दिखाइयो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना हूं, भगवान विष्णु का जो अंतिम अवतार होगा दोबारा पाप बढ़ेगा तब दोबारा भगवान विष्णु कहते हैं कि अवतार लेंगे, और वो जो अवतार होगा वो कल्कि का अवतार होगा। अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या राजस्थान में कल्कि का कहीं मंदिर है क्या? यह प्रश्न आपको बताना है तो कहां है, किसने बनवाया? कल्कि का अभी अवतार नहीं हुआ है। कल्कि कहते हैं कि जब सृष्टि पे पाप बढ़ेगा तब भगवान विष्णु एक बड़े घोड़े पे बैठ के तलवार लेके आएंगे और सृष्टि का विनाश करेंगे। वो कल्कि अवतार है जो पुराणों में लिखा गया है कि ऐसे आएगा, ऐसे हाइट होगी, घोड़े पे आएगा तलवार लेके। तो पुराणों के आधार पे कल्कि का मंदिर बनवाया था राजस्थान के एक शासक ने, बताओ कहां बनवाया, किसने बनवाया, कमेंट करके अब बताओ। अब कमेंट करो जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, नॉर्मल प्रश्न मैं आपसे नहीं पूछूंगा। बताओ अब बताओ, कमेंट चल नहीं रही। बताओ, अरे वाह अच्छी तैयारी है भाई, सीताराम चौधरी बिल्कुल सही जवाब है। चेला बनवाया किसने वो भी फिर कमेंट करके बताओ, बनवाया किसने वो बताओ मेरे को। नहीं नहीं मानसिंह ने नहीं बनवाया, बनवाया जयपुर में है लेकिन किस शासक ने बनवाया वो बताओ। ये एक ही मंदिर है कल्कि का,
बिल्कुल जयपुर सही जवाब, लेकिन शासक का नाम नहीं आया अभी तक। नहीं ईश्वर सिंह नहीं है। कहते हैं कि स्वाई जय सिंह ने पुराणों के आधार पे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का मंदिर बनवाया। वह ओनली फोर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है गुरु जी, इतनी बात तो मारे समझ में आ गई कि मीणाओं की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से हुई है। अब देखो प्रत्येक जाति जो होती है ना वो वर्गों में बटी होती है, भले ही वो हम आगे जो लेंगे वो हो भले ही मीणा हो। कहते हैं कि मूल रूप से, वैसे तो बहुत सारी गोत्रें होती है लेकिन मूल रूप से कहते हैं कि मीणा दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो है चौकीदार मीणा और दूसरे हैं जमींदार मीणा। अब कई बार पूछ ले, वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि चौकीदारी और जमींदारी, नाम से पता चल रहा है। तो अब कहते हैं कि इनमें भी उच्च और निम्न होते हैं। तो अब आपसे पूछे कि इनमें उच्च कौन से माने गए निम्न, तो सीधी सी बात है भी चौकीदारी का मतलब वो तो सरकारी नौकरी लगे हुए, उस समय नौकरी लगे हुए थे तो नौकरी लागे तो आदमी ऊंचो ही मानी जाएगा। और बापू जमींदार, तो कहते हैं कि चौकीदार मीणा जो है वो उच्च वर्ग में आते हैं और ये थोड़ा उस हिसाब से इनमें गोत्रों के हिसाब से ऊपर नीचे जो है तो उच्च वर्ग में माने गए चौकीदार मीणा। जयपुर राजा, जयपुर में जो शासक आया था सबसे पहले कछवा राजवंश का संस्थापक तेजकंद दुलेरन, उससे पहले जयपुर के आसपास किन का राज था? मीणाओं का ही राज था और भीलों का राज था उदयपुर साइड में, और उसके बाद में कछवाओं ने अधिकार कर लिया। तो वो जो आंदोलन होंगे, आंदोलन मैं अलग से पढ़ाऊंगा, यहां नहीं पढ़ाऊंगा। मीणा आंदोलन और भील आंदोलनों को अलग से लूंगा, अभी हम जनजातियां और इनकी बातें पढ़ रहे हैं क्या क्या है, आंदोलनों को अलग से लेंगे। तो एक ग्रंथ है मीणा पुराण, किसने लिखा? मुनि मगन सागर ने। मुनि मगन सागर, इन्होंने मीणाओं पर बहुत अच्छा अध्ययन किया। जैन मुनि थे मगन सागर। इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुनि मगन सागर ने मीणाओं पर कितना अध्ययन किया होगा जब इन्होंने मीणाओं की 5200 गोत्रें लिख दी। आप जिस भी जाति के हो, सारी जाति के लोग ही देख रहे हैं, तो आप जिस भी जाति के हो तो आप अपनी जाति के 10 से ज्यादा गोत्र नहीं बता सकते, और जैन मुनि मगन सागर ने मीणाओं की 5200 गोत्रें बता दी। इसका मतलब इन्होंने अच्छा अध्ययन किया मीणाओं के ऊपर। जब आंदोलन चल रहे थे उसी समय इन्होंने अध्ययन करके बताया था, मीणाओं को जागृत किया था। आंदोलन के समय जिक्र करेंगे इंसान, यानी मीणाओं की कितनी गोत्रें बताई है? 5200, और 24 खांप बताइए इनकी मुख्य। सर खांप को मतलब क्या? खांप का मतलब पंचायत समझ लो भी। मीणाओं की कितनी खांपें बताई गई हैं? 24। वैसे मीणाओं की मत्स्य अवतार है लेकिन टोड ये इनके मूल जो स्थान मानता है वो कालीखो पहाड़ी मानता है मीणाओं का। कौन सी पहाड़ी? कालीखो। इतनी बात आई समझ में? हां गुरु जी आ गई समझ में। तो देखो दोबारा देखता हूं मैं आराम से, देखो क्या चल रहा है। सर मीणा चल रही, क्या क्या बता दिया? सबसे पहले सर आपने उत्पत्ति बताई, फिर दो प्रकार बताए आपने, फिर मीणाओं की आपने गोत्र बताई, फिर हम इसका रीडिंग करेंगे। अभी मैंने आपको तीन बातें ही बताई है, क्या चल रही हैं? मीणा जनजाति का वर्णन चल रहा है। हां बिल्कुल रेगुलर रहेगी, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। 6300 बल्ले बल्ले, अच्छा 6300 लाइव आ गई क्या? मुझे पता नहीं है, तो टेंशन मत लो, सारा चल रहा है आराम से। आपसे कई बार परिवार पूछ ले कि पितृसात्मक है मीणाओं का, या देखो जितनी भी जनजातियां पढ़ेंगे सभी का परिवार पितृसात्मक है, सब में पिताजी की चलती है। हम लोग जीजा की बड़ी इज्जत करते हैं परिवार में, और मीणा भी कहते हैं कि अपने जवाई की जो है जीजा की बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी आवभगत करते हैं। लेकिन आपसे जो सीधा प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा कि बताओ मीणाओं के मुखिया को क्या कहते हैं? मीणाओं के मुखिया को बोलते हैं पटेल जी। देखो धीरे धीरे तो देखो कल्चर छूटती जा रही है, हमारी छूटती जा रही है, तभी तो हमें पढ़ाए जा रहे हैं। पुराने समय में वैसे तो बात जनजातियों ने सभी समाज में गांव में ऐसा होता था, गांव का एक मुखिया होता था, वही निर्णय करता था और वही निर्णय पूरी पंचायत में मान्य होता था।
और पटेल जी की तो फिर बड़ी इज्जत होगी, प्रत्येक जाति का एक मुखिया माना जाएगा, उसकी बड़ी इज्जत होगी, उसी का निर्णय होगा, कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई कचहरी नहीं। आजकल तो हो गए कोर्ट कचहरी के, लेकिन आज भी कुछ जगह पे यही चीजें चल रही है। तो मीणाओं का जो मुखिया था वो मीणाओं का मुखिया पटेल जी था, पटेल जी की चलती थी, कोई गलत कार्य करता था तो उसको पटेल जी के निर्देशन में जो होता था फैसला उसी फैसला होता, फिर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता। हुक्का पानी बंद करना, आपने सिर्फ नाम ही सुना है, हुक्का पानी अगर बंद हो गया ना तो उसके साथ कोई संबंध नहीं रखा जाएगा, कोई रिश्तेदारी नहीं रखी जाएगी, उसके साथ कोई विवाह नहीं करेगा। तो हुक्का पानी बंद करेंगे, हुक्का पानी बंद कर दो, देश निकालो दे दो, ये निर्णय हुआ करते थे। तो आजकल तो ये चीजें नहीं चलती, पहले समाज की बातें समाज में ही रहती थी, आजकल कोर्ट कचहरियों में चली गई। तो मीणाओं का जो मुखिया था उसे क्या कहा जाता था, मीणाओं के मुखिया को पटेल जी कहा जाता। अगर 5-7 गांव है पटेल जी तो पंच पटेल कहते हो, हाँ गुरु जी ठीक है। तो मीणाओं की सबसे बड़ी जो पंचायत है वो 84, तो इसमें 84 गांव आते तो 84 पंचायत होगी, तो इतनी बड़ी तो होगी, हाँ ठीक है गुरु जी। कहते हैं कि मीणा जो जंगल में घर बनाते थे उन घरों को कहा जाता था मेवासी। पूछा तो नहीं है कभी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना, यह जरूर पूछा गया। यानी 4 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया, मीणाओं के मुखिया को क्या बोला जाता है, ये बात आपको बताइए। पीडीएफ, हाँ हाँ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आपको मैंने नीचे टेलीग्राम में लिंक दिया है, उसमें आप देख लेना, उस पर मिल जाएगी। अब मीणाओं के मुख्य देवता कौन से हैं, मुख्य देवियां कौन सी हैं, उनकी थोड़ा सा अपन जिक्र करते हैं, ठीक है गुरुजी कर लियो। अनाज रखने की कोठी ओबरी, ओबरी ओ बैरी, चलो चले आगे, हां गुरुजी आगे चलो, बराबर में चल रहा हूं, फिर मैं आपसे रीडिंग मरवाऊंगा बराबर में। क्या चल रहे हैं सर, मीणा चल रही है, बिल्कुल इतनी बातें तो हो गई। अब आगे चलते हैं इनका मुखिया वगैरह, इनका हर जाति का अपना एक पवित्र स्थान होता है, हमारा भी है, और भी जितनी भी जनजातियां सब हिंदू धर्म से वैसे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई पवित्र स्थान होता है। मीणाओं का सबसे जो पवित्र स्थान माना गया है वो है रामेश्वर। ऐसे प्रश्न मैं आपको नहीं पूछूंगा क्योंकि ये आपको आते हैं, जो थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है मुझे लगता है कम बच्चों को आता है वही पूछूंगा, बाकी ये चीजें आपको सबको आती है, इंटेलिजेंट बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन सबको ये आता है। रामेश्वर जो है वो मीणाओं का प्रयाग कहता है। सर ये कहां है, रामेश्वर जहां पर चंबल बनास और सीप नदी मिलती है वहीं पर रामेश्वरम है, राम ही जिनके ईश्वर है रामेश्वर, स्वाई माधोपुर के अंदर है, चंबल बनास और सीप नदी मिलती है वहां पर है रामेश्वर। तो देखो एक तो क्षेत्र विशेष पे होता है, अलग अलग कई देवताएं जैसे मीणा जो है, एक मिनट सॉरी, मीणा जो है वो जीण माता को भी मानते हैं, हाँ सर चौथ माता को भी मानते हैं, बुरिया बाबा को भी मानते हैं, और आपके केला माता को भी मानते हैं। और दुर्गा माता को भी वैसे मानते हैं। गुरुजी गुरुजी और लैपटॉप बंद हो गया, चालू करियो, ठीक है हाँ बिल्कुल, अभी अभी जिक्र करते हैं, सारों का ही जिक्र करेंगे। देखो क्या क्या करना है, जीन माता को मानते हैं और सब जानते हैं जीन माता कहां है, सीकर के अंदर है बिल्कुल, क्योंकि सीकर साइड है, जयपुर है, दौसा है, ये जो है वो मीणा बाहुल्य क्षेत्र, हाँ गुरु जी ठीक है। चौथ माता स्वयं माधोपुर में, चौथ का बरवाड़ा, मीणा इसे भी मानते हैं। बुरिया बाबा, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, बुरिया बाबा केला माता शिला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहे सर, बुरिया बाबा का मंदिर अरनोद प्रतापगढ़, क्योंकि बुरिया बाबा की कसम खाके कभी झूठ नहीं बोलती। वैसे तो धर्म के प्रति सभी होते हैं, लेकिन जनजातियां जो है वो धर्म के मामले में कभी भी जिस अपने आराध्य देव आराध्य देवता आराध्य देवी की अगर कसम खा ली तो फिर कैसी ही स्थिति आ जाएगी, वो फिर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। तो अलग अलग जनजातियों की अलग अलग देवता है जिनकी कसम खा के वो कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है गुरु जी। केला माता कहां है, करौली में। अब इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है,
मैं देखो इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप इसको भी अन्यथा मत लेना किसी चीज को भी, देवी देवताओं की बातें हैं, लेकिन मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं ये बात। देखो कैसे याद करोगे, याद देखो निचाल के हो एक बार बंद हो गए, देखो कैसे याद करो। देखो एक तो पहाड़ी है ऐसी, एक तो पहाड़ी है त्रिकुट पर्वत और एक है त्रिकुट पहाड़ी, दोनों अलग अलग है दोस्तों। त्रिकुट पहाड़ी पर तो एक दुर्ग है जैसलमेर, और त्रिकुट पर्वत पर एक माता का मंदिर है, कौन सा? केला माता। कैसे याद करोगे? कैसे केला, कैसे करौली, कैसे कालीसील। केला माता का मंदिर करौली में कालीसील नदी के किनारे, कैसे करौली, कैसे कालीसील और कैसे केला माता, याद करने के। लेकिन जो चीज मैं याद करने ले वही रखे, अन्यथा न ले इस चीज को। देखो आप सीधा याद करो करो, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर देवियों का अगर प्रश्न आता है तो सबसे ज्यादा या तो केला माता का पूछा जाता है या करणी माता का पूछा जाता है। आप आज तक के पेपर उठा के देखो तो केला माता को किससे याद करोगे? आप सीधा याद करो, केला माता मतलब केलो ध्यान में आना चाहिए। केला किनको पसंद होता है? गुरु जी केला तो पसंद हुए बंदर और लंगूर ने, बिल्कुल वह बांदरान केलो पसंद है। अब हम याद करेंगे कि अपने कौन से भगवान है जो बंदर के रूप में पूजे जाते हैं, अपने गुरुजी हनुमान जी है। तो केला माता ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी की माता मानी गई, अंजनी माता का अवतार मानी गई, वैसे यादवों की कुलदेवी है केला माता। याद हो गई, अब बताओ यानी अंजनी माता का अवतार ही तो है केला माता। हाँ गुरु जी अवतार है, तो अंजनी माता कब खुश होगी? गुरु जी अंजनी माता तो खुश होगी जब हनुमान जी नाचेगा, बिल्कुल हनुमान जी की तरह नृत्य करना, यानी लंगूर से लंगूरिया, यहां पर लंगूरिया नृत्य किया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बहुत बार, लंगूरिया नृत्य कहां किया जाता है, कौन करता है। अब मैं एक आपको प्रश्न पूछूंगा जो पीछे सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है, यानी हाँ बिल्कुल मीणा जनजाति करती है लंगूरिया नृत्य। दुर्गा भरतपुर साइड के जो मीणा है वो दुर्गा माता को मानते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है इस प्रश्न का जवाब। देखो क्या प्रश्न पूछा गया, एक बार प्रश्न पूछा, पता नहीं वो प्रश्न डिलीट किया नहीं किया, लेकिन जो उत्तर आया वो तो मुझे याद हो सकता है, रीट बिलीव। प्रश्न ये पूछा गया कि निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में दो बार भरता है? शायद फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में आया था, किसी टीचर भर्ती में आया था, इतना मेरे ध्यान। अब माताओं के उसने ऑप्शन क्या दिए? करणी माता, जीर्ण माता, शीला माता और केला माता। आपके सामने ऑप्शन पड़े हैं, मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट करता हूं। निम्न में से कौन सी माता का मेला साल में दो बार भरता है? एग्जाम में पूछा गया, मेरी तरफ से मैंने नहीं बनाया। अब आप उत्तर बताओ, इसका उत्तर क्या होगा? अब बताओ, दो नंबर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अपने इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे अपन। सही जवाब किसी का नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं आया, एक एक का आया है, एक का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हां बिल्कुल। बुज देवता भी प्रमुख देवता है मीणाओं के, बुज। बंद करो कमेंट, ठीक है बंद करो। अब मैं बताता हूं, जिसने एक नंबर किया वो भी सही है ऑप्शन, लेकिन एग्जाम में पूछा तो क्या सही होगा इसका? भाई एक नंबर भी सही है, दो सही, तीन। देखो प्रश्न किस हिसाब से पूछा गया था, वो प्रश्न वैसे गलत नहीं था। उसने पूछा कि कौन सा माता का मेला साल में दो बार पड़ता है, प्रत्येक माता का मेला इस साल में दो बार पड़ता है, जैसे करणी माता का मेला भी दो बार पड़ता है, एक चेत में पड़ता है, एक आसोज में पड़ता है। अब आप आसोज वाले मेले में जाओगे तो भयंकर भीड़ होती है, लक्खी मेला है, यानी आप लाइन में खड़े हो तो दो घंटे लगेंगे। चेत वाले में जाओ नॉर्मल भीड़ होती है, सामान्य से थोड़ी ज्यादा। तो माता का मेला प्रत्येक का ही दो बार भरता है, लेकिन उसका पूछने का इरादा क्या था? उसका उत्तर उसने केला माता माना। क्यों माना? क्योंकि केला माता का मेला भी साल में दो बार भरता है, लेकिन दोनों बार ही ये लक्खी मेले, लाखों लोग इकट्ठा होते दोनों बार ही।
बाकी माताओं के मेला भरता तो दो बार है, लेकिन मेन जो है वो एक ही मेला होता है। दूसरा मेला तो एक नॉर्मल तरीके से आता है, ज्यादा बड़ा नहीं भरता। तो उस समय आरपीएससी ने उसका उत्तर केला माता माना था। अब बताओ आगे चलता हूं। एक बार प्रशांत पूछा था मोरनी मोरना का संबंध किस जनजाति से है। मोरनी मोरना राजस्थान पुलिस 2013, मोरनी मोरना किससे है, मीणा से। यानी मैं क्या पूछ लिया, मुखिया, मुखिया के बाद मीणाओं के मुख्य देवता या देवी जो भी है। चलो मीणाओं की, अरे मिटाई दिया क्या, चलो कोई बात नहीं दोबारा लिख लेंगे। ये लो जी क्या चल रहा है, मीणा। सबसे पहले मैंने उत्पत्ति बताई, फिर मीणाओं के दो प्रकार बताए, मुख्य प्रकार जो है वो दो ये बताए थे। इसके बाद इनके कुछ मुखिया वगैरह वो चीजें बताई आपको। इसके बाद मैंने मीणाओं के प्रमुख स्थान बताया, एक स्थान के बाद मैंने मीणाओं का जिक्र किया, मुख्य देवी और देवताओं का। अब हम इस चीज को रिपीट करेंगे, बिल्कुल इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया गया है, उस टेलीग्राम में आपको आज ही मिल जाएगी इसका डिटेल। ठीक है गुरुजी, अब मैं इसको रिपीट मारता हूं, आंख बंद कर लो, और आंख बंद करके मैं इसका रिपीट करता हूं। ठीक है गुरुजी, हां विवाह की रस्म है, ठीक है, बंद करो कमेंट, इधर ध्यान दो, पढ़ाता हूं, रिपीट मारता हूं। मीणा सर्वाधिक, बोलते जाओ, बोलो, मन कौन सुने मन बोलो। मीणा सर्वाधिक जयपुर। मीणाओं की उत्पत्ति मत्स्य अवतार से मानी गई, भगवान विष्णु का अवतार है मत्स्य अवतार। मीणाओं के दो प्रकार, उत्पत्ति बता दी, मत्स्य अवतार। मीणाओं के दो प्रकार है, कौन कौन से, जमींदार चौकीदार, और भी बहुत प्रकार है लेकिन मुख्य। मीणाओं की कितनी गोत्रें हैं, 5200 खाप 24। मुखिया पटेल जी। मीणाओं का मुख्य स्थान रामेश्वरम, राम ही जिनके ईश्वर है, लोग देवी देवता बुद्ध देवता को भी मानते हैं, झूठी खसम किसकी नहीं खाते, बुरिया बाबा जिनका मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में है, जीन माता को भी मानते हैं, केला माता के यहां लंगूरिया नृत्य करते हैं, दुर्गा माता को भी मानते हैं मीणा, और किसको मानते हैं, और चौथ माता को भी मानते हैं। अब बताओ कोई कमेंट करो, किसी से कोई समस्या, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी बताओ, रहो रहो रहो, आग लगा देंगे आग, बताओ और जोर लाइव। ओहो थैंक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मोटिवेशन होता है, ये इतने लाइव आ गए, अब तो आग लगा देंगे, डेली आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, डेली क्लास आएगी, डेली क्लास चलेगी, कोई ना कोई टॉपिक डेली लेके आएंगे, और थोड़ी देर बाद में हिस्ट्री की क्लास भी आएगी, आप उनसे पढ़ लेना, कल्चर पढ़ना चाहो तो कल्चर बता देना टॉपिक, हिस्ट्री पढ़ना चाहो तो हिस्ट्री बता देना, और मैं कल्चर लूंगा, लगभग कल्चर के कुछ टॉपिक मैं कराऊंगा, कुछ वो कराएं, फिर इंडियन हिस्ट्री शुरू करेंगे, अपनी वो क्लास से चलेगी, और पैड जो है वो भी चल रही है, अपना बेंच भी चल रहा है, पटवार पुलिस का वो उधर चल रहा है, वहां अलग तरीके की क्लासें आती है, यहां अलग आती है, दोनों ही चलती रहेगी, कुछ दूर तुम चलोगे, कुछ दूर हम चलेंगे, ऐसे करते करते हम किराया बचा लेंगे। बताइए गणी गणी खम्मा जी, गणी गणी खम्मा, किसी से कोई मीणाओं से संबंधित प्रश्न पूछना है तो बताओ। मीणा सर्वाधिक उदयपुर, भाई वैसे जमींदार मीणा उधर है, सर्वाधिक उदयपुर साइड है, बिल्कुल आप बताइए। वैसे मीणाओं का मुख्य नृत्य जो मैंने बताया लंगूरिया है, और आगे की जनजातियों जो उनका नृत्य वगैरह को वो भी ले लेंगे, बस कोई प्रश्न ही नहीं बचा, हो गए एक समाधान। आगे मैं एक छोटी सी जनजाति आपको और कराता हूं, एक बड़ी जनजाति, देखो प्रश्न जो आएगा वो भील और मीणाओं में से आना है, ये दो तो कंफर्म याद होनी चाहिए आपको, ऐसे रात को कोई पूछे नहीं, बता रहे मीणा के बारे में, गुरुजी मीणा जयपुर में है सर्वाधिक, गुरुजी मीणा दो प्रकार है जमींदार और चौकीदार, गुरुजी मीणा को मुखिया पटेल है, और गुरुजी मीणा की और क्या है, मीणा को स्थान रामेश्वर है, मीणा कई देवतान माने, बुरिया बाबा की सोगन कौन खा, 5200 गोत्र है, 2400 खाप है, आ लो आग लगा दे, अगले बापड़ मार दे, बस आगे चलते। दूसरी आपको मैं पढ़ाता हूं, कौन से, सांसी, ठीक है गुरुजी। ऐसा कहते हैं कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति किसी सांसमल नामक व्यक्ति से हुई होगी, ठीक है कोई बात नहीं, कि मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति किसी सांसमल नाम के व्यक्ति से हुई थी। सर ये सर्वाधिक कहां है,
ये सर्वाधिक है भरतपुर और झुंझुनू। एक चीज का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप पढ़ने में जो पढ़ो ना तब गलती ये करते हैं कि हम कर्म से नहीं पढ़ते। जैसे आपको मीणा पढ़नी तो सबसे पहले आपको देवता नहीं, आप हमेशा कर्म से दिमाग कि मीणा पढ़ना है तो सबसे पहले उत्पत्ति पढ़ी जाएगी कोई जाति हो, फिर पढ़ी जाएगी कि वो वर्तमान में कहाँ है, फिर पढ़ी जाएगी कि उनका मुखिया कौन होता है, विवाह कौन कौन से करते हैं। एक हमेशा कर्म होना चाहिए शेड्यूल, कर्म होगा तो आप उस चीज को भूलोगे नहीं, आप सो के भी रिपीट मार सकते हो, वरना फिर उंदा सुंदा आदि पहले पढ़ने वाली बाद में पढ़ लेते हो, बाद में पढ़ने वाले पहले, तो फिर रिपीट में गलती होती है। तो आप कर्म से पढ़ेंगे बिल्कुल। इनकी भी दो उपजातियां हैं बीजा और माला। प्रश्न देखो कैसे पूछा था एग्जाम में, कभी नहीं पूछेगा कि सांसियों की दो उपजातियां हैं, उल्टा पूछेगा बीजा और मालिया किस जनजाति की दो उपजातियां हैं, बीजा और माला किस जनजाति की दो उपजातियां हैं, उल्टा पूछा है, उल्टा ही पूछा है। ये जो जनजाति है, ये जो नॉर्मल जो विवाह वगैरह संस्कार होते हैं वो नॉर्मल तरीके से होते हैं, यानी नारियल से ही रिश्ता तय हो जाता है, और विवाह के अंदर भी कोई ज्यादा वैसे नहीं है, नॉर्मल खंबा रोक के और विवाह कर लेते हैं। लेकिन इनके जो है एक रस्म चलती है, कौन सी गुरु जी, कुकड़ी। ये याद रखनी पड़ेगी, दो चीजें इनकी अलग है और जनजातियों से सांसियों की, सर कौन कौन सी। पहली बात तो ये, सांसी जनजाति में विधवा विवाह नहीं होता। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, क्या और भी कोई ऐसी जाति है जिसमें विधवा विवाह नहीं होता, मुझे आप कमेंट करके बताओ, पता चले कि नॉलेज कल्चर का कितना रखते हो। आपको तो ये याद करना है, लेकिन हिंदुओं में और भी कोई ऐसी जाति है क्या जिनमें विधवा विवाह नहीं होता, बताइए। राजपूत, चारण, बिल्कुल ठीक है, हां बिल्कुल, राजपूत जाति में भी विधवा विवाह नहीं होता और चारण जाति में भी नहीं होता। आपको उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक शोले फिल्म जो बनी थी ना, शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन का वो जो ठाकुर की पुत्र वधू थी उसके साथ विवाह कर दिया था, बाद में ऑब्जेक्शन उठाया गया, उस सीन को काटा गया था। तो आज भी सांसियों में विधवा पुनर्विवाह नहीं होता, चारणों में भी नहीं होता और राजपूत कल्चर में भी नहीं होता। तो आपको यह ध्यान रखना कि विधवा विवाह नहीं होता। दूसरी बात, ये जो है बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, विवाह से पहले किसी भी प्रकार के अवैध संबंधों के पूर्णतः खिलाफ होते हैं, किसी प्रकार के कोई संबंध नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार के शारीरिक संबंध किसी, इसी चीज की परीक्षा होती है। अगर ऐसा कोई केस आ गया, कोई मामला आ गया, तो इसको बड़े सीरियस तरीके से लेते हैं ये लोग। तो ये जो रस्म है इसमें चरित्र की परीक्षा देनी पड़ेगी कि विवाह के पहले किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा। और बायोलॉजी तरीके से देखें तो वो रस्म होती है कुमारीय परीक्षण, जो होता है आपकी सरकार करवाती है कुमारीय परीक्षण, कुमार प्लस ये, कुमारी प्लस ये, कुमारीय परीक्षण होता है जिसने सरकार ने अब तो प्रतिबंध लगा दिया, पहले करवाया जा सकता था कि लड़के या लड़की के पहले कोई संबंध रहे हैं क्या, वो कुमारीय परीक्षण होते हैं। तो विवाह के समय चारित्रिक परीक्षा होती है जिसे कुकड़ी रस्म कहा जाता है। ठीक है गुरुदेव, चारणाएं कुलदेवी, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भाई, क्या पूछ रहे हो। हाँ ठीक है, ये नीम और पिंपल इनके पूज्य वृक्ष है, तो इनकी ज्यादा बातें नहीं, चार या पांच बातें हैं। अब मैं दोबारा दोनों जनजातियों को रिपीट मारता हूं, कहीं जाना नहीं है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सर मीणा पढ़े, उसके बाद एक छोटी जाति उठाई, एक बड़ी उठाऊंगा, एक साथ में छोटी उठाऊंगा, दो दो जरूर पढ़ेंगे रोज, तीन दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद में मैंने क्या उठाई, सांसी, एकदम नॉर्मल, दोनों के दोनों एकदम नॉर्मल। हां चल ठीक है, देखो मीणा जयपुर, जयपुर राजाओं के राज तिलक मीणा करते थे, मीणाओं के दो प्रकार चौकीदार जमींदार, मीणाओं की 5200 गोत्र हैं, 24 खांपे हैं, मुखिया पटेल होता है, रामेश्वर मुख्य स्थान है, बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं, इसके बाद में सांसी सर्वाधिक भरतपुर है, फिर झुंझुनू है, विधवा विवाह नहीं होता, बाकी गैर संबंधों में भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, कुकड़ी रस्म होती है, विवाह भी नॉर्मल रस्म होती है, विवाह में खंबा रोक के वैसे नॉर्मल, और सांसियों की दो उपजातियां हैं बीजा और माला। अब मुझे पूछो किसी में कोई समस्या है क्या, पूछो।
बताओ कोई प्रश्न किसी को पूछना है, फिर आगे का टॉपिक कर लेंगे। 15 मिनट बाद आपके गुरुजी आएंगे रमाकांत जी, वो आपको पढ़ाएंगे। और करंट की क्लास रोज सुबह होगी, क्योंकि आज तक जितने भी यूट्यूबर सब करंट की क्लास सुबह दे रहे हैं, तो मैं भी सुबह ही दूंगा। दो क्लासें जीके की शाम को आएगी। कुछ पूछना है तो पूछो, वरना हम कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी के कोई समस्या है क्या, नो नो कर दो, ताकि मैं फिर कल मुलाकात करें। बताओ उनका अलग से ले लेंगे टॉपिक, आप चिंता मत करो, आप बस जुड़े रहो। पहले टॉपिक होंगे, फिर उनके संबंधित आज तक के आयु में प्रश्न कराऊंगा, फिर और प्रश्न कराऊंगा, आपको डीपली तैयारी करवा दूंगा, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं है। कल करते हैं, फिर कल और बातें भी करेंगे, आज तो जुड़े हैं, धीरे 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 चलते जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल करते हैं अपन मुलाकात, यहां तक सब याद कर लेना कल। ठीक है, धन्यवाद।